हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। हाँ जी, सो रिसेंटली मैं गई थी मेघालय चेरापूंजी की ओर। उसका फर्स्ट ब्लॉग चैनल पे आ चुका है। आप लोगों ने देखा कि नहीं? अभी तक अगर नहीं देखा है तो पहले वो ब्लॉग देख लो, जो कि था गार्डन ऑफ कैब का। बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। हाँ जी, एंड अब हम लोग जा रहे थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था अरवा कैब। जहाँ जा रहे थे अरवा कैब जहाँ था वहाँ उसी के पास ही एक व्यू पॉइंट मिला हम लोग को। एंड लुक एट द व्यू पॉइंट, ओ माय गॉड, कितना ही खूबसूरत था दोस्तों। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कितना खूबसूरत था। ये सब जो आप लोग देख रहे हो सब क्लाउड था दोस्तों। हम क्लाउड के एकदम पास ही मतलब खड़े हुए थे, इतना ऊपर चले गए थे, कितना खूबसूरत था। कोई अगर मुझे पूछेगा तुमने हेवन देखा है कि नहीं, मैं बता पाऊँगी अभी, हाँ मैं अभी हेवन देख के आई हूँ। कितना मतलब सुकून फील हो रहा था जब मैं वहाँ पे खड़ी होके मैं देख रही थी, जस्ट मैं फील कर रही थी एंड मैं उधर नम हो चुकी थी। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोल सकूंगी दोस्तों। फिर उसके बाद ये रहा अरवा कैब एंड हम अभी अरवा कैब के अंदर जाने के लिए रेडी थे। अरवा कैब के अंदर जाने के लिए हाँ टिकट काटना पड़ेगा आप लोग को। एंड वहाँ पे टिकटिंग काउंटर थोड़ा सा आगे था। एंड ये देखो मैं अभी टिकट काटने के लिए अंदर जा रही थी एंड देखो आप सभी कितना फॉग है एंड थोड़े थोड़े लोग आप देख रहे हो उधर, दूर कहीं देख रहे हो, दूर कहीं बहुत सारे लोग हैं। वही था टिकट का काउंटर एंड यहाँ पे टिकट का रुपीस लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। सो एडल्ट के लिए था 50 रुपीज़। सो 50 रुपीज़ पे करके हम अंदर जा रहे थे एंड यहाँ पे देखो बोर्ड में क्या लिखा है, लिखा हुआ है स्लो। दैट मीन्स स्लो वर्क करना है आप लोगों को एंड स्लो वर्क करके वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको फील करने बोला है। वहाँ पे वो जगह बहुत शांत था दोस्तों, कुछ साउंड ही नहीं आ रहा था। जो ही साउंड आ रहा था वो सिर्फ वाटरफॉल्स का आ रहा था, वाटर का आ रहा था एंड बीच बीच में बर्ड का था। सो इसीलिए मैंने रॉ क्लिप यहाँ पे डाल दिया है, आप लोग भी सुनो फील करो, इसीलिए मैंने रॉ क्लिप डाल दिया है। फिर हम लोग कैब के अंदर जाने के लिए थोड़ा सा मतलब चल रहे थे थोड़ा आगे था इसीलिए चल के जा रहे थे। एंड ये रहे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। आप लोग को बोल रहे कि मैंने बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाए हैं वहाँ पे, सो इसीलिए मेरे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। सो आप लोग प्लीज़ उन दोनों का बातें सुन लो एंड थोड़ा सा प्यार कर दो मेरे वीडियोज़ में, ठीक है? तो फाइनली हम कैब के अंदर जा रहे थे एंड ये कैब मुझे थोड़ा सा डरावना लगा क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। बीच बीच में एक दो लाइट था लेकिन ज़्यादातर अंधेरा ही था एंड मैं तो गिरते गिरते मतलब बची हूँ एक बार। सो ये वीडियोस बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगा मुझे क्योंकि आप वीडियोस भी बना रहे हो, आप चल भी रहे हो, कहीं पर कुछ लग ना जाए उसको भी देखना है। सो किसी भी तरह आप लोग के लिए वीडियोस बनाए, आप लोग देखो एंड इसमें भी रॉ क्लिप ही मैंने डाला है। ओह माय गॉड, खतरों के खिलाड़ी। एंड कुछ कुछ लोग वो जो आप स्टेयर्स देख रहे होते हैं उस स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के उधर देख रहे थे कुछ है कि नहीं देखने के लिए। हमारी एक दोस्त भी चढ़ी थी लेकिन कुछ नहीं था उधर देखने में।
आगे हम लोग दोस्तों इसी आशा में जा रहे थे कि आगे कुछ होगा, कुछ देखने को मिलेगा। सो इसीलिए सभी लोग जा रहे थे आगे क्या है कि नहीं देखने के लिए। बहुत ही रिस्की था दोस्तों, मतलब अनस्लिपरी भी था। अगर पैर इधर उधर हो गया मतलब गिरने का चांसेस है। एंड दोस्तों मैं ग्रुप में थी लोगों के साथ, इसीलिए इस कैब के अंदर गई। अगर मैं अकेली रहती तो मैं नहीं जाती अंदर, क्योंकि मुझे ये डरावना लगा, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को। और ये रहे हमारी प्यारी प्यारी मैडम, जो आप सभी लोगों को हाय शाय बोल रही है। एंड कितना अंधेरा है आप खुद ही देख लो, अंधेरों के बीच बीच में हम लोग जा रहे थे। सोचा था आगे जाके कुछ मिलेगा, कुछ देखने को मिलेगा, कुछ खास होगा, लेकिन यही मतलब जगह मतलब ख़त्म हो गया। अंधेरा था आगे, आगे बहुत ही अंधेरा था। सो कैब इधर ही ख़त्म होता है। एंड हम अभी कैब के अरवा कैब के बाहर जा रहे थे क्योंकि हम लोग को मतलब अरवा कैब एक्सप्लोर करना हो गया था। अब हम ही अरवा कैब से निकल रहे थे। फिर दोस्तों हम लोग पहुंच गए थे मेघालय 7 हाईएस्ट वाटरफॉल्स, जो कि था काइंड्रेम वाटरफॉल्स। एंड आप लोग देख सकते हो जो पानी का बहाव आ रहा था, मेरे बाल उड़ रहे थे, मैं बहुत दूर थी, लेकिन आप देख सकते हो कितना हवा चल रहा था उधर, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड दोस्तों मैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियोस करके लाई हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके वहाँ पे खड़े होके मैंने जो आँखों से देखा है, मेरे आँखों ने जो वीडियोस मतलब आँखों ने बनाया है, उस दोनों में मतलब डिफरेंस है। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती, लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकती कितना ही अच्छा लगा। आप लोग देख सकते हो, ओ माय गॉड, दोस्तों हम लोग निकल चुके थे 7 सिस्टर वाटरफॉल्स देखने के लिए। एंड दोस्तों वो देखो, दूर से देखो, वो देखो बांग्लादेश। हाँ जी, एंड मेघालय में क्या है, जगह जगह फॉल्स है, इधर देखो उधर वाटरफॉल्स है, इधर देखो वाटरफॉल्स है। ये नॉर्मली रास्ते में ही था एक वाटरफॉल्स, सो मैंने उसको कैमरे में कैद कर लिया था। फिर ये रहा हमारा लास्ट डेस्टिनेशन आज के लिए, जो कि था 7 सिस्टर वाटरफॉल्स। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। सो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियोस देखी हैं तो थैंक यू सो मच उसके लिए। एंड अगर यहाँ तक अंत तक आ चुके हो तो वीडियोस को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाय।